इंग्लिश के इस टॉपिक में हम लर्न करेंगे कि था कॉन्सोनेंट साउंड को और डा कॉन्सोनेंट साउंड को कैसे प्रनाउंस किया जाता है। दरअसल दोनों को सेम वे से प्रनाउंस किया जाता है। इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि था कॉन्सोनेंट साउंड है वो वॉइसलेस साउंड है। वॉइसलेस का मतलब होता है कि वो साउंड जो विदाउट वाइब्रेशन, यानी कि हमारे जो थ्रॉट में वाइब्रेट ना हो बल्कि थ्रू एयर हवा के ज़रिए पैदा हो, उसे हम कौन सी साउंड कहते हैं? वॉइसलेस साउंड। एग्जांपल साउंड को प्रनाउंस करें तो हमारे मुंह से क्या आ रही है? एयर आ रही है, जिससे हमारे जो गला है थ्रॉट इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही। इसके अलावा जब हम डा साउंड को प्रनाउंस करते हैं तो हमारे जो गले में थ्रॉट में वाइब्रेशंस होती है, इसे प्रनाउंस करते हैं ड ड ड। अपने फिंगर्स अपने थ्रॉट पे रखें और चेक करें, अगर वाइब्रेशन हो तो वो वॉइस साउंड होती है, अगर वाइब्रेशन ना हो तो वो वॉइसलेस साउंड होती है। आइए दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ठा साउंड को प्रनाउंस करें तो वाइब्रेशन नहीं हो रही, ड साउंड को प्रनाउंस करें तो वाइब्रेशन होगी। ड ड ड, ठीक है। इसे चेक करने का तरीका है कि अपनी फिंगर्स को थ्रॉट पे रखें और ऑब्जर्व करें। इसके अलावा अब हम ये भी लर्न कर लेते हैं कि ठास कॉन्सोनेंट साउंड को और डा कॉन्सोनेंट साउंड को प्रनाउंस करते हैं तो हमारे कौन से आर्टिकुलेटर्स किस साइड में मूव करते हैं। देखें ना, हमारे टिप ऑफ द टंग यानी कि जुबान की जो नोक है वो मूव करेगी, जाएगी अपर टीथ रिज की तरफ। फर्क ये होता है कि जो ठा साउंड होती है वो वॉइसलेस साउंड होती है, जो डा साउंड होती है वो वॉइस साउंड होती है। थिल थिल थिल, टाइम टाइम टाइम, थल थल थल। जब हमने इन साउंड को प्रनाउंस किया तो हमारी टिप ऑफ टंग कहाँ पर मूव करी? टिप ऑफ द टंग मूव करी अपर टीथ रिज के साथ। दिस इज द इंग्लिश स्पीकिंग रूल ऑफ ठा कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है डा कॉन्सोनेंट साउंड की। इसमें हमारा जो वोकल कॉर्ड है इसमें वाइब्रेशन होगी। डिम डिम, डॉल डॉल, डिप डिप।